उसने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया, बेस्ट यूटिलाइजेशन, एक उत्पाद बनाया, जोखिम लिया, अपना समय दिया, वही आइडिया वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जैसे जब मार्क जुकरबर्ग को छोड़ता हूं, जैसे टिकटॉक की बात कर लेते हैं, टिकटॉक वाले के दिमाग में आइडिया आया होगा कि दुनिया बेरोजगार है और भारत तो कतई बेरोजगारी है, अब इनका खाली समय होता है, ये फेसबुक पर लड़ते रहते हैं, कहीं लड़ते रहते हैं, कहीं देखा है आपस में झगड़ा करते रहते हैं, इनके लिए मैं एक टाइम पास चीज बना के देता हूं कि जो तुम भी ये टाइम पास कर रहे हो, इस टाइम पास के सिर्फ वीडियो बनाओ और यहां पे डाल दो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम्हें पैसा कमाओगे। उन्हें उस टाइम पास में ही उसे एक आइडिया दिखा, सोचना कैसे चीज का उत्पादन हुआ है। उसने आइडिया लिया, उसने संसाधन देखे, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐप बनाई और अब उस ऐप को लॉन्च कर दिया। हो सकता था उसका आइडिया फेल हो जाता, भाई लोग टाइम पास नहीं करते, तो उसके लिए तो जोखिम था ना, यही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो जितने भी ये कंपनी कोई शुरू करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं या कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं या कोई रेहड़ी लगाता है या जो भी कोई मोची की दुकान भी लगाता है, कोई जूते चप्पल की दुकान खोलता है, कोई भी अपना समय और अपनी पूंजी आदि लगाकर, अपना धन अपना समय लगाकर यदि कोई व्यक्ति रिस्क लेता है तो याद रखिएगा उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। चलिए बेटी अब आगे आ जाता है। अब एक चीज बताओ, ये जितने आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े इनको जरा समराइज कर दो कि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़ा। आज आपने उत्पादन के कारक पढ़े, उत्पादन के कारक बताइए क्या क्या होते हैं और उत्पादन होता क्या है ये भी बताइए, प्रोडक्शन क्या होता?